अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक-ए-लबैक और हकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में तहरीक-ए-लबैक ने सराय आलमगीर से अपना लॉन्ग मार्च जो उन्होंने कराची से शुरू किया था और उनको जो है ख़त्म करने का ऐलान किया, वापसी ली लाहौर की राह वो ली और वापस जो है उनका काफिला, उनका लॉन्ग मार्च लाहौर चला गया। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि हकूमत और तहरीक-ए-लबैक के दरमियान जो है मुज़ाकरात जो है कुछ यानी जो उसमें मुहैदा हुआ था मुज़ाकरात के अंदर, अब हकूमत जो है ले तो लाल से काम ले रही है। और हमेशा से ये हकूमतों का यानी एक रहा है कि जो बातचीत हो जाती है मुहैदा हो जाती है फिर वो इससे फिर जाते हैं, और अब भी यही सूरत हाल है। और आपने देखा कि फ्रांस के सदर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से उनसे हैंडशेक किया, उनसे मुलाकात की, गर्म जोशी से मिले, पाकिस्तानियों के बल्कि आलम इस्लाम के सर शर्म से जो है वो झुक गए हैं कि किस तरह जिन्होंने जो है जिस सदर ने हमारे आका ओ मौला हजूर अलैहिस्सलाम की शान में तोहीन की, तोहीन वो करने वालों का साथ दिया और इस तरह खुलकर जो है वो उनके साथ वो खड़े रहे, और आलम इस्लाम में गम व गुस्से की जो है एक लहर दौड़ गई थी। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे मुलाकात करते हैं, बड़े गर्म जोशी से उनसे मिलते हैं, तो इस तरह जो है उन्होंने जो है यानी जिसका कलमा पड़ा है हजूर अलैहिस्सलाम का उनसे भी बेवफाई की है। तो यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है यानी अब सूरत हाल ये है कि वो यानी तहरीक-ए-लबैक इमरान खान को कोस रही थी, इमरान खान ने उनसे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन ये तो इमरान खान से भी वो ये कहते हैं तहरीक-ए-लबैक के लोग कि ये तो इमरान खान से भी जो है आगे निकल गए हैं, और इमरान खान तो वो पाकिस्तान के अंदर ही थे और ये तो फ्रांस में जाकर जो है उनसे मिल रहे हैं, उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, बड़ी गर्म जोशी से उनके साथ मिल रहे हैं। तो शदीद यानी एक इज़्तिराब पाया जाता है तहरीक-ए-लबैक के अंदर और उनकी शूरा के अंदर, उनके कारकुनान के अंदर कि किस तरह जो है ये जमात जिन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी दी और उस फांसी के नतीजे में जो है पाकिस्तान में यानी एक ऐसी यानी वो हुई इनसे जो है नून लीग से PMLN से जो अहले सुन्नत का वोट था वो इनसे टूटा, और उस दिन से क्योंकि आपने वो सुना होगा एक क्लिप जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई थी तो रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने जो है एक यानी तकरीर करते हुए ये कहा था कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है अल्लाह वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, और वो अब आपको देखे आप देखेंगे कि वो आपके साथ क्या करता है कि आपने एक आशिक़े रसूल को जो है फांसी दी है, आपने वो करोड़ों मुसलमानों के जो है दिलों को छलनी किया है। उस दिन के बाद से जो है आपने देखा कि नून लीग को जो है समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर आपने देखा कि उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को या नवाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन फिर मुमताज़ कादरी के फांसी के बाद जिस तरह से हालात वाकया तब्दील हुए, जिस तरह से नवाज शरीफ को नाअहल वो करार दिया गया, जिस तरह से जो है उनको यानी लोगों ने जिस तरह से उनको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, वो सब के सामने है, और फिर उनको कैद में भी वो डाला गया। तो ये तमाम जो है जो अहले सुन्नत के लोग हैं, जो उलेमा हैं, मशायख हैं, वो यही कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने मुमताज़ कादरी को फांसी दी थी ये उसी का ही नतीजा है कि वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कभी जेल में हैं, कभी मुल्क से बाहर हैं, कभी जिला वतन है। तो इस तरह की ये सूरत हाल है, और अभी तक जो है उस वाकये के बाद मुमताज़ कादरी के वाकये के बाद
जो है नू लीग अपने आप को संभाल नहीं सकी है और टूट फूट का शिकार है, शिकस्त रेख्त का जो है वो शिकार है। और अब जिस तरह के ये 14 माह उन्होंने हुकूमत में गुजारे हैं और जिस तरह की उन्होंने हुकूमत की है, जिस तरह से महंगाई का एक तूफ़ान आया है, उससे तो यही होता है कि भाई इनके जो है अब दिन गिने जा चुके हैं। अब जो है इनका पार्टी और ये ख़ानदान किस्सा है पारीना जो है बनने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जो है तगोदो कर रहे हैं अपने आप को ये बचाव के लिए, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि अब इनका बचना जो है इस ख़ानदान का पाकिस्तान के अंदर सियासत करना, और इस तरह से कि भाई इससे पहले कि वो पंजाब के बिला शरकत गैर हुक्मरान थे, पंजाब के अंदर उनकी हुक्मरानी थी, उनका तूती बोलता था, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि ये ख़ानदान अवाम में नफ़रत की अलामत बन गए हैं। और जिस दिन से फ्रांसीसी सदर से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, मजहबी व तबकात के अंदर जो है एक इज़्तिराब की कैफियत है और उनके अंदर जो है इस वक्त एक गुस्से का आलम है। और दूसरी वो तरफ ये है कि तरीके लब्बैक भी इस मामले में सलाह मशवरे कर रही हैं कि क्या किया जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, इस हवाले से क्या किया जाए, उनमें भी जो है गुफ्तगू हो रही है। और इस तरह की अब वो कोशिशें हो रही हैं कि अब जिस तरह से जो है इंतहा की है, इंतहा वो दर्जे की जो है, यानी आप वो देखें कि शहबाज वो शरीफ ने आलम इस्लाम के मुसलमानों के पाकिस्तानियों के सर जो है वो शर्म से झुका दिए हैं, जो उन्होंने मुलाकात की है एक गुस्ताखे रसूल से। तो ये सूरत हाल है। और अब तहरीक लब्बैक का भी इस हवाले से जो है एक इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उन पर इल्ज़ामात लगाती है तहरीक इंसाफ और उनके पार्टी के कारकुनान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एक चाबी वाला वो खिलौना है, यानी अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब को जो है चाबी वाला वो खिलौना ये समझते हैं। और वो ये कहते हैं कि नून लीग ने अब देखते हैं कि जो उन्होंने वो किया है मुमताज़ कादरी को उन्होंने फांसी दी है, तो इस तरह का जो है वो इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट की वो जमात है और ये नून लीग की बी टीम है। तो इस तरह के जो है पीटीआई के लोग और अहले सुन्नत के भी कुछ यानी अफराद कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है यानी बी टीम है नून लीग की। लेकिन हालात व वाकियात यही है कि वो इल्ज़ाम है। तहरीक लब्बैक जो है हर मौके पर उन्होंने आवाज़ वो बुलंद भी की है, और अब जो है नून लीग और ख़ासकर नून लीग के लोग तहरीक लब्बैक से राबते की कोशिश कर रहे हैं और वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक अपनी आज़ादाना पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं। और वो ये कहते हैं कि वो अकेले ही इलेक्शन में जो है वो जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम किसी पार्टी के साथ किसी जमात के साथ किसी पॉलिटिकल सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त हम देखते हैं दो ही मकबूल व तरीन वो जमातें हैं, एक पीटीआई है इमरान खान की पार्टी और दूसरी तहरीक लब्बैक है, और नून लीग अब तीसरे नंबर पर जो है पंजाब के अंदर वो चली गई है। और जो सूरत हाल है जो इन्होंने महंगाई की है, महंगाई को जो है परवान ये चढ़ाया है, और फिर इन्होंने एक मुहैदा भी किया तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को ख़त्म कराने के लिए, और मुहैदे में यह था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं कम की जाएंगी, लेकिन अब जो है इतलात ये आ रही हैं कि पेट्रोल की जो लेवी होती है वो 50 है, अब उसको 60 रुपए किया जा रहा है। तो इस तरह जो है यानी उसकी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी मुहैदे से हुकूमत फिर रही है, हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है जो एक बैन है वो पैमरा की वो जानिब से वो अभी तक नहीं हटाया गया है, ना ही सोशल मीडिया पर जो बैन है जो अकाउंट जो है मुअत्तल वो कर दिए जाते हैं, अकाउंट को बंद कर दिया जाता है तहरीक लब्बैक लिखने से या अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की तस्वीर जो है शेयर करने से, वो भी अभी तक हुकूमत ने जो है वो नहीं हटाए हैं। तो इसलिए
बेचैनी है तहरीक-ए-लबैक के कैंप में, और इस हवाले से बड़ी संजीदगी से सलाह मशवरे हो रहे हैं कि अब आइंदा आगे क्या किया जाए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।